रेत बजरी के दाम बढ़ने से मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। पठानकोट के लेबर शेड चौक में मौजूद दिहाड़ीदार मजदूरों ने बताया कि कई कई दिनों से काम की तलाश के लिए पूरा पूरा दिन बिना दिहाड़ी काम के बीत जाता है, जिसके कारण वो लोग मंदहाली के शिकार होते जा रहे हैं और घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिला पठानकोट सरकार ने वादे बड़े किए कि लोगों मकान बनाने वास्ते रेता बजरी सीमेंट सस्ता करांगे ताकि लोगों के झुग्गियों तो मकान बनाए जाएंगे और गरीब का जरा काम बढ़ेगा। तो गरीब अज तुम मेरे सामने देख रहे हो कि सारे गरीब जिन्हें भी इतने खड़े ने लेबर शेड से पठानकोट से, उसका कारण की है कि रेता बजरी के जड़े दाम जड़े आसमान शुरू लगे ने। सरकार ने वादा किया कि असी जो सरकार बनेगी तो असी रेता बजरी के दाम जो घट करेंगे, लेकिन घट कर बजाए गरीब मकान बनाने तो उलझा हो रहा और गरीबों जो मजदूरी दिहाड़ी ला आते हैं अच्छ उन्होंने दिहाड़ी ही मिल रही, वो दिहाड़ी ना मिलने के कारण उन्होंने परिवारों के जो समस्यावं आदि ने वो गरीब ही जान सकता, क्योंकि वो 10-20 रुपये किराया दे के जिला पठानकोट के दिहाड़ी लाने आते हैं और उन्होंने आस होंगी है कि सानू दिहाड़ी मिलेगी तो असं परिवार का पालन पोषण करांगे, लेकिन जो उन्होंने दिहाड़ियाँ ना मिलन तो जिनी लेबर है इतें ही भुखी भाणी बैठी रहती है और लेबर का समा हों सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तो 11 बजे के बीच लेबर मिलते, लेकिन गरीब को दिहाड़ी ना मिलने कारण वो नमोशी के कारण अपने परिवार से नहीं जा सकता कि मैं अपने परिवार को की मूँह दिखावगा। अज अपना परिवार की रसोई का आटा दाल लूण मर्च मसाला हल्दी तेल और गैस जो सेंटर से पंजाब सरकार को इन्हों ध्यान देना चाहिए बड़ी बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अज साढ़े परिवारों के वापसी घर ना जाना 2-3 बजे तक अपनी लेबर शेड से बैठे रहना उन्होंने अपनी परिवार की लड़ाई तो बचने के लिए घर नहीं जाते, आप भी दुखी रहते हैं, परिवार आस ला के बैठा होंगे कि साड़ा परिवार कुछ मजदूरी कमा के आएगा तो साड़ी रसोई भरोएगी, लेकिन रसोई के खाली पई है, गरीब दर दर मर रहा, कोई भी सरकार जी है उन्होंने वाल कोई ध्यान नहीं दे रही। रोज़गार कहते तो रोज़गार यही है कि अच्छ जरा भी मजदूर अच्छ पठानकोट जिले के जिन्हें भी मजदूर ने लेबर शेड के मिल रहे हैं, कुछ मेरे लागे ने तो कुछ मेरे बाहर बैठे ने, आस लगा रहे हैं कि कोई इन्हू दिहाड़ी लैन वास्ते आए तो वो जो एक बंदा दिहाड़ी लैन आता वो मगर 100 बंदा दौड़ रहा मजदूरी लैन दे आपस में मजदूर लड़ पेंदे ने कि मैनू जान दे मैनू जान दे। यह जे हालात पंजाब दे विच देखने मिल रहे ने, सरकार क्यों नहीं इन्हों वल गौर कर रही, सरकार वाल गौर करना चाहिए, उन्होंने परिवारों गौर करना चाहिए कि उनका पिछे परिवार बैठा उन्होंने रोजी रोटी की आस है तो वो आस जी उन्होंने धुम्मल हो रही है। तो मैं सरकार अगर बेनती करांगा कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा आ और अज महंगाई के नाल जिन्हें भी राशन खाने वाला भी गरीबों को वांझा हो रहा, पहले तो 4 नाल फुलका खा लेंदे सां लेकिन अज 4 भी अगर घर के विच किसी घर तुहानू मौजूद नहीं मिलेगा क्योंकि लूण मर्च मसाला तेल हल्दी सब कुछ महंगा हो चुका। हुण फुके सरकार दी जिहड़े स्कीमां लाई हो जाने कि आटा मिल जाता लेकिन वो लून के नाल खान तो मजबूर हो रहे हैं, सरकार को उन्हें ध्यान जरूर देना चाहिए और ये भी उ मजदूर जिन्होंने सरकार बनाई ने आम सरकार मजदूर का ध्यान जरूर देना चाहिए। जय भारत जय हिंद। समस्या भाजी ये है कि अभी रोज घरों 30-40 किलोमीटर दूर पठानकोट गांधी चौंक इतने लेबर शेड जाके दिहाड़ी मजदूरी करवाने पर इतने काम कार कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी जुगाड़ नहीं कम का, सरकार झूठे लारे ला रही है, महंगाई बड़ी बढ़ गई है, रेते बजरी के रेट बदलने कारण काम कार ठप पे रहे हैं, ठेकेदार कहते महंगाई बड़ी कम नहीं चल रहे, दसो असी की करिए, सरकार कहती बहुत रोजगार दिते गरीबा लिए मदद कर रहे हैं पर कोई मदद नहीं, सब कुछ झूठ है, भगवंत मान झूठ बोल रहे जी झूठी सरकार बस हो जाना। मेरे वे जी समस्या तुम ये आ रही है जिन्हें भी इतने गरीब दिहाड़ी लगन वास्ते आते हैं
ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਰੇਟਾਂ ਬੱਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਕਈ ਠੱਪ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਆ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਗਲਤ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਬਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਾਸਪਿਟਲ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਕਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।